प्रत्याशी रक्षा सह राजपूत ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मजबूत हो तो घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। दरअसल सागर की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट खोरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह ने भाजपा के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने ताल ठोक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिंह राजपूत ने अपना नामांकन दाखिल करने के पहले ही कांग्रेस चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। वहीं रक्षा सिंह राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि खोरई विधानसभा का ग्रामीण अंचलों में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे क्षेत्र में जाकर देखा तो कोई काम नहीं हुआ। रक्षा सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि खोरई विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं। खोरई की जनता भयमुक्त होना चाहती है, झूठे मुकदमों से बचना चाहती है। खोरई की जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि जितना विकास हुआ इससे चौगुना विकास मैं कर पाऊँ और सबसे ज्यादा जनता का विकास हो, गांव-गांव में विकास हो, जो जरूरत है विकास। देखो एक बात तो मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ भी होता है, कोई भी करता है, कोई भी पार्टी करती है, विकास विकास में मैं ये बोलती हूँ काम अच्छा है, जनता के बीच में सुविधाएं होना चाहिए। मैं भी अगर बनूं कुछ तो मैं भी वो कर पाऊं और जो भी बने वो सब करें, अच्छा काम होना चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। गांव-गांव में आपने स्थिति देखी होगी, रोड नहीं है, कुटी भी नहीं है, आवास भी नहीं है और जो बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं है वो भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं तो खुरई में खत्म है, कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य सेवा के लिए। और सबसे शिक्षा भी मुझे ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवार के लोगों पर फीस वगैरह का बहुत ज़्यादा दबाव है। मैडम आपके सामने मध्य प्रदेश सरकार की बेहद कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह जो विकास के रोल मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश में खुरई को प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आपको क्या लगता है किन प्रभावी मुद्दों के साथ जनता में आप कांग्रेस का वजन, कांग्रेस का वोट बैंक फेवर में कर पाएंगे, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं अपने खुरई परिवार के लिए, जो आज झूठी FIR हो रही है या घर गिराए जा रहे हैं, जो भय बना हुआ है लोगों में और जो दबाव की राजनीति चल रही है, इसको मैं खत्म करूंगी। दूसरा मैं विकास ऐसा विकास करूंगी जो व्यक्ति का विकास, जो उनकी बेसिक जरूरत है, जो वो चाहते हैं कुछ कर पाए, बोल पाए, ये सारा विकास मैं करूंगी उनके लिए। नामांकन दाखिल करने आप आज मतलब वहाँ पहुंच रही हैं, हाँ। इस संबंध में आप अपने कार्यकर्ताओं से या फिर खुरई क्षेत्र क्या अपील करेंगे? मैं अपने खुरई परिवार के लोगों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने वरिष्ठ गुड्डू भैया अर्णोदय चौबे जी और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी जितने भी मेरे परिवार है, मैं सबसे बोलना यही चाहूंगी कि अपन मिलके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। और चुनाव तो खुरई की जनता लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मेरा सिर्फ नाम है, परिवार पूरा मेरे साथ है और सबका प्यार भी मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर की वो भय की राजनीति करते हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, आप किस तरीके से देखती है आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह और आप अपने आप को कहां मानती हैं? देखो ये माहौल तो है कि झूठी FIR हो रही है, घर गिराए जा रहे हैं, अब ये कौन कर रहा है? अगर मध्य प्रदेश शासन का मंत्री है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अपनी विधानसभा में ऐसा किसी के साथ गलत ना हो और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जनता आपको विधायक चुनती है तो जनता को क्या उम्मीद आपसे करनी चाहिए और क्या आपके वादे हैं जो आप जनता के बीच में लेके जाएंगे, जो आप जिनको पूरा करेंगे? जनता अगर मुझे चुनती है ना तो मैं सबसे पहले तो उन्हें एक जीवन जो वो जी रहे हैं आज भय और खौफ का, उससे वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। दूसरा जो ये होता है कि पार्टी किसी भी पार्टी को सबको स्वतंत्रता, हमें लोकतंत्र में यही स्वतंत्रता मिली है कि हम बोलने की अभिव्यक्ति, इलेक्शन लड़ने की अभिव्यक्ति, घूमने फिरने हर काम की हमें स्वतंत्रता मिली है, तो सबसे ज्यादा तो मैं उस पर फोकस करूंगी कि कोई भी पार्टी का आप स्वतंत्र काम करो, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपनी अपनी जिसको जिस पार्टी में काम करना है, किसी पर भी झूठी FIR या घन नहीं गिराए जाएंगे। और दूसरा मेरा ये है कि गांव-गांव में आपने देखा होगा कि नगर नगर शहर शहर तो काम हो जाते हैं लेकिन गांव की स्थिति बहुत बुरी है, मैं गांव-गांव जा भी रही हूं, तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि गांव की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको मैं पूरा करूं।
मैडम मध्य प्रदेश के एक मंजे हुए राजनेता के सामने कांग्रेस ने बिल्कुल युवा चेहरा युवा नेत्री को टिकट दिया है आप, तो क्या बड़ी रणनीति है कांग्रेस की के जो है चुनाव में जाए और जनता के बीच एक युवा फेस को रख के चुनाव जीता जाएगा, आपको क्या लगता है? शुरुआत सबकी होती है, आपको भी लगता होगा कि कोई भी शुरुआत करता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से राजनीति में आ जाता और कुछ भी बन जाता है। और लोगों में एक जुनून होता है, युवा व्यक्ति नहीं सोचता है कि हमें ना उसको किसी चीज का मन में कुछ होता है, बस ये होता है मैं करना क्या है, और ये सब समझते हैं कि युवा व्यक्ति दौड़ भी सकता है भाग भी सकता है। और अगर अपने इस क्षेत्र के जो वरिष्ठ हैं बड़े मतलब अपने परिवार के लोग हैं उनकी सारी जो बातें रखते हैं उनको वो सुन भी सकता है, उनको पूरा कर भी सकता है और झुक के चल भी सकता है। तो मेरा उद्देश्य मैंने ये है कि मैं अपने परिवार के सारे गाँव गाँव के लोग और अपने जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेता हैं कार्यकर्ता, मैं सबके साथ मिल के बहुत अच्छा काम करूँ और जो जरूरत है वो पूरी कर पाऊँ। भाजपा भाजपा कहीं ऐसा मान के चल रही है कि कांग्रेस ने जो है युवा चेहरे को टिकट दिया है और एक तरफ कद्दावर मंत्री है, तो भाजपा को कहीं बाकोवर मिल जाए, आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ।